Number one thing that I would suggest you is don't chase friendships or relationships. जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हम अपना बहुत सारा कीमती टाइम लोगों को इम्प्रेस करने में ज़ाया कर देते हैं, दोस्तियाँ बनाने में ज़ाया कर देते हैं. वी ट्राई टू मेक एवरी वन हैप्पी, वी ट्राई टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी गुड कूल ग्रुप. तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी क्लास का कूल ग्रुप है, जिसमें लाइक बच्चे भी हैं, टैलेंटेड बच्चे भी हैं, उसका हिस्सा बन जाएं. फिर डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है जिसमें सीनियर्स भी हैं, जिसमें कोई लैब इंजीनियर भी है, जिसमें कोई सोसाइटीज़ के मेंबर्स भी हैं, उनका भी हिस्सा बन जाए. फिर हर डिपार्टमेंट में भी जो कूल लोग हैं, फेमस लोग हैं, हम लोग उनको जाने और हमारी बड़ी पीआर हो यूनिवर्सिटी में. नाउ आई हैव अ स्टोरी टू टेल, मगर लंबी बात चली जाएगी, फिर किसी टाइम मैं सुनाऊंगी और इस बारे में हम बहुत डिटेल्ड बात कर सकते हैं. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो. तो आप बहुत सारा टाइम लगाते हैं फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने में, दोस्तियां बनाने में, रिलेशनशिप्स बनाने में, कोल ग्रुप का हिस्सा बनने में, लोगों को खुश करने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सारे एफर्ट्स और आपका सारा टाइम ज़ाया होता है. तो आपका फोकस लोग नहीं होने चाहिए, आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए. विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट, आपको करनी है एक स्किल डेवलप. 4 साल में डिग्री तो आ रही है, मगर उसके साथ साथ आई डोंट केयर आप क्या सीखते हो, कोडिंग सीखते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हो, साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, वो वीडियोग्राफी करते हो, यूट्यूब का चैनल अपना बना के उसको ग्रो करते हो, डू समथिंग. पहले 2 साल हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, वेदर इट्स फुटबॉल, कोई स्पोर्ट्स है, कोई एक्टिंग क्लासेस हैं, कुछ भी हो रहा है यूनिवर्सिटी में, पेंटिंग, राइटिंग, स्पीच, एनीथिंग, सब में पार्टिसिपेट करो और फाइंड आउट ये करो कि आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट क्या चीज़ करती है, आपका इंटरेस्ट क्या है. अगले 2 साल, लास्ट 2 ईयर्स, यू हैव टू परसू दैट इंटरेस्ट. कुछ भी होगा, कोडिंग सीखो, कोई ऐसी क्लास लो जो तुमने जिसमें एनरोल्ड नहीं हो, बीबी की कोई बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ लो, जाके बस बैठ जाओ. जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैं एनरोल्ड नहीं था, मैं ड्रॉप आउट हो चुका था यूनिवर्सिटी से, मगर मैंने कैलीग्राफी की क्लासेस लेना शुरू कर दी थी, और फिर जब मैं माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहा था तो मेरी बहुत मदद हुई फॉन्ट डेवलपमेंट में, मैंने खुद डिज़ाइंस किए. अगर मैंने कैलीग्राफी की क्लास ना ली होती तो आज किसी भी विंडोज़ में इतने फॉन्ट्स होते ही ना, उसी ने सब कुछ बनाया है, उसके बाद डिवाइड हुआ. तो ये है कि कुछ भी सीख लो, ज़रूरी नहीं है जिसमें तुम एनरोल्ड हो, डिवेलप द स्किल. कोडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ भी ऐसी क्लासेस जाके ले लो जिसमें तुम एनरोल्ड नहीं हो. तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीबीए का कोई सब्जेक्ट जाके सुन लो यार, टैक्स के बारे में क्या होता है, कोई साइकोलॉजी की क्लास ले लो, वीडियोग्राफी करो, कुछ भी करो, कोई एक चीज़ परसू करो, तो अपने पे काम करो, डिवेलप अ स्किल, बस.